थाने के कांस्टेबल द्वारा महिला के साथ रेप की कोशिश करना, निजी गाड़ी से लेकर घूमना व मारपीट करना व धमकाना, ऐसा संगीन मामला एक दो दिन से पूरे इलाके को गरमाए हुए है और हर कोई इस मामले में अपनी अपनी राय दे रहा है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोप लगने के बाद कांस्टेबल जितेंद्र सिंह मीणा को निलंबित कर दिया गया व एएसआई व थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ मिल गया है, क्योंकि जितेंद्र सिंह मीणा ने मीडिया के सामने आकर अपने ही विभाग की मानो जैसे पोल खोल दी हो। मीणा का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और झूठे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यह भी कहा कि आला अधिकारियों ने मेरी बात नहीं सुनी, अगर वो मेरी बात सुनते तो शायद मामला कुछ और होता। अब ये पूरा मामला पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से सुलझाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आइए सुनते हैं कॉन्स्टेबल ने क्या कहा। मेरे पास में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जो जो भी कार्रवाई करी हुई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मेरे भी अधिकारी मेरी मदद करें और मुझे किसी भी तरह से मेरे को इस प्रकरण में मुझे फंसने ना देवे। मैं अधिकारियों से यही विनती करता हूं, मैं अधिकारियों के समक्ष भी पेश करना हूं, मैं चला भी जाऊंगा, बात भी करूंगा, सारी बात बताऊंगा और मैंने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है और वीडियो रिकॉर्डिंग से सारी बात कर रखी है। मैं वो आप लोगों को भी बताऊंगा, जो मैंने धीरे से पूछताछ नोट में मैंने वीडियो भी लिया था, वो जो उन लोगों दलालों ने जो काम किया, ये दलाल मेरे से इस तरह से नाराज है कि ये बात को पूरी तरह से खोल देगा, तो इस कांस्टेबल को सस्पेंड ही करो, खत्म करो, तभी ये आदमी अपन समझ पाएंगे। आज वो जहर में अगर मेरे को अगर बर्खास्त कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो वो जहर में आने वाले बरस में कई महिलाओं को, कई लड़कियों को ये बेच भी देंगे और लेके भी आएंगे। इनका काम ही इस तरह से पूरा धंधा बनाना, जो कोई भी ऊपर बोलता है तो उस कॉन्स्टेबल को दबा देते हैं और इस तरह से वीडियो में वायरल कर करके, जो वीडियो वायरल करने का इनका आदि से धंधा है, इनका पहले से ही धंधा है लड़की का इस तरह से बेचना करना। अब मेरी ये कहानी सब मेरे परिवार वाले सब सुनते हैं, करते हैं, तो मेरे बच्चे बाल बच्चे सब ये कह रहे हैं कि पापा आपने इस तरह से क्या किया। मेरे परिवार वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं कि तुमने छेड़छाड़ करी, वो करी, जब मैंने ये छेड़छाड़ी नहीं करी, मैंने बात ही मैंने नहीं करी, मैं उन परिवार वालों को क्या जवाब दूँ। मेरे बच्ची भी मेरे पूछ रही पापा क्या हुआ, उसको भी बीमार है, फिर भी मैं कहने के दो दिन से मैं भूखा भूखा प्यासा मर रहा हूँ, जब मैंने ये घटना ही नहीं करी फिर भी मेरे को इस तरह से पूरी करा जा रहा है। मैंने इस महिला को मैंने माँ के बराबर माना, ये महिला ने मेरे खिलाफ चली गई, अब मैं करूँ भी क्या, अब मेरे खिलाफ ऐसा है भी नहीं। सब कहते हैं महिला का मामला है, महिला का मामला, मैं अधिकारियों के किसी राजनीतिक पार्टी पर जाता हूँ तो मेरे किसी के पास पहचान भी नहीं, मैं जाऊँ भी किसके पास, मैं मदद भी किससे मांगू, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों पे भी मेरी मेहरबानी है, आपसे मेरे निवेदन है, मेरे जो भी है मेरे को सत्यता पे मेरे को करे और मैं सत्यता से मुझे रखे, अगर मेरे को सत्यता के अगर मेरे को छेड़छाड़ के अंदर ये फंस भी देते हैं निजुरा आरोप है, मैं खुशी खुशी मैं चला जाऊँगा जेल पर जाके भी आ जाऊँगा, लेकिन मैंने ये आरोप नहीं किया है, मैं आपसे ये निवेदन है और आप लोग मेरे लिए मदद करना प्लीज़ कृपया करके, और मेरे बाल बच्चों को परिवार वालों को मेरे को बदनाम मत करने दो। जहाँ जाते परिवार वाले कहते हैं कि तू ऐसा है तू वैसा है, तो मैं क्या जवाब दूँ, मेरे पास जवाब ही नहीं है। मैं अधिकारियों के सामने भी इस तरह से बात बचाना चाहता हूँ, बता कोई सुनता भी नहीं है, तो सुनो मेरे कॉन्स्टेबल हूँ मैं। आपने इस पूरे मामले के बाद उस महिला से बात करने का प्रयास किया? मैंने उस महिला को बात करने का प्रयास किया और मैंने स्वयं ने नहीं किया, मेरे जो अधिकारी हैं उनको मैंने कहा भी, तो वो महिला उनसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं, ये चार व्यक्ति बात ही नहीं कर रहे, ये चार व्यक्ति पूरी तरह से इनको यही कह रहे नहीं नहीं अब बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये अलग अलग जा अलग अलग माहौल बनाते हैं और रात को बात अलग करते हैं, सुबह बात अलग करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ तेरे पक्ष में बिल्कुल करा देंगे कर करके, और फिर ये अलग अलग ही चलते जाते हैं, कर ही भी नहीं रहे। अब 166 सीआरपीसी की जब बयान हो जाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा? अब आप लोग इससे पहले ही मेरे कहने के 166 सीआरपीसी बयान हो गए, मेरे को बर्खास्त करके मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और फिर मेरे को। वहीं आरोप लगने के बाद जितेंद्र ने मीडिया के सामने आकर अपनी पूरी बात को रखा और कहा मेरे पास वीडियो फुटेज सबूत के तौर पर मौजूद है, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा, आइए देखते हैं। महात के रहने वाले हो ना? नहीं नहीं जेर 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 के रहने वाले हो? जेर जेर जेर। अरे हाँ भाई जेर ही है, जेर के रहने वाले हो ना। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बच्ची का क्या नाम है, कहाँ बेची तुमने? पड़ोती बेची। कितने रुपये में बेची? 60,000 में। कितने बेची? 60। किसको दी थी? क्या नाम है तुम्हारा? भाविक। भाविक नाम है? हाँ। अच्छा कितने में तुमने? 60,000 में ली? छोकरी हाइट हजार आ गया? अच्छा 60,000 रुपए दिए? अच्छा आप इनके पिताजी हो? हाँ। अच्छा तो कितने 60,000 में सौदा हुआ, कितने रुपए दे दिए आपने? 30 दे दिया? 30 तो छोड़ दिया कि अच्छे घर में यूं करके। अच्छा अच्छा कब बेची थी ये? मैं बच्चा था ये लगन करवाने बजुकर से।